मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटर। इससे पहले मैं अपने दो क्यूसी के ऊपर लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट मेरा टॉपिक था क्वालिटी अश्योरेंस। सेकेंड मेरा लेक्चर था क्यूसी कंट्रोल स्टैटिक्स के ऊपर, और आज का जो हमारा है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि लैविजेनिक चार्ट क्या होता है, वेस्टगार्ड रूल के वो कौन से रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा ट्रबल शूटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, के अगर हमारा कंट्रोल ठीक ना आए तो फिर हम कौन से एक्शंस परफॉर्म करेंगे और करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए। उसके बाद जो मेरा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू प्रिपेयर क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल। तो आइए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और हम स्टार्ट। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग, लैविजेनिक चार्ट क्या होता है और लैविजेनिक चार्ट क्यों यूज़ किया जाता है। लैब के अंदर जो डेली क्यूसी रन की जाती है उसकी वैल्यूज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए लैविजेनिक चार्ट यूज़ किया जाता है, जिसका फर्स्ट स्टेप है डिसीजन लिमिट कैलकुलेट करना, जो क्या होती हैं प्लस माइनस 1 SD, प्लस माइनस 2 SD एंड प्लस माइनस 3 SD, जो मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करना सिखा चुकी हूँ। लैविजेनिक चार्ट को यूज़ करके हम डेली QC को एवलुएट करते हैं। इसमें हमें दो तरह के एरर फेस करने पड़ते हैं, एक है रैंडम एरर और दूसरे होते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते हैं रिपीटेबल होते हैं, यानी कि अगर एक एरर आपके पास आया है तो वही एरर दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। रिपीटेबल एरर में अगर इंस्ट्रूमेंट की लाइट सोर्स ख़राब हुई है एक दफ़ा तो वो दोबारा भी हो सकती है, ठीक है। तो जो रिपीटेबल एरर्स आते हैं वो सिस्टमैटिक एरर्स की वजह से होते हैं। सिस्टमैटिक एरर आपके पास फॉल्टी इक्विपमेंट की वजह से भी आ सकता है, जिसमें आपकी इनकरेक्ट कैलिब्रेशन और इनकरेक्ट मशीन ऑपरेटिंग भी शामिल है। सिस्टमैटिक एरर भी आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रेंड और एक होता है शिफ्ट। जो भी वैल्यूज़ के अंदर अगर ग्रेजुअली चेंज आता है तो हम उसको कहते हैं ट्रेंड। वहीं अगर कंट्रोल की वैल्यू के अंदर मीन से जो डेविएशन हो रही है वो सडन हो रही है तो उसको हम कहते हैं शिफ्ट। फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ट्रेंड अपवर्ड, डे 5 पर जो कंट्रोल है वो मीन पर है, उसके बाद डे 6 पर प्लस 1 पे, डे 7 पर फिर प्लस 1 पे, डे 8 पर प्लस 2 पे, डे 9 पर प्लस 1 पर, ठीक है, और फिर डे 10 पर प्लस 2 पर, फिर डे 11 पर उसके 3 SD को टच किया है। ये एक ग्रेजुअली अपवर्ड वैल्यूज़ हैं, तो ये एरर, इस तरह के एरर को हम कहते हैं ट्रेंड। नीचे वाली पिक्चर में बस शिफ्ट अपवर्ड अकर हेयर, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके पास डे 5 के ऊपर जो कंट्रोल है वो मीन पर है, डे 6 पे आपका कंट्रोल प्लस 2 SD को भी क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और थर्ड पे आपका कंट्रोल प्लस माइनस 2 से +3 के दरमियान में है। उसके बाद डे 8 के ऊपर वो 3 SD को भी क्रॉस कर गया, यानी कि ये एक सडन चेंज है। तो ये जो सडन अपवर्ड जाता है आपका चार्ट, इसको हम कहते हैं शिफ्ट। ट्रेंड और शिफ्ट में क्या डिफरेंस है, डेट्रियोरेशन है, ठीक है, तो वो एरर्स होते हैं रैंडम एरर की वजह से। रैंडम एरर अननोन और अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस की वजह से आते हैं। रैंडम एरर नॉन रिपीटेबल होते हैं, यानी कि एक दफ़ा आपके पास रैंडम एरर आया तो वो ज़रूरी नहीं है कि वही एरर बार बार आपके पास आता रहे, ठीक है। रैंडम एरर को रिड्यूस किया जा सकता है बाय रिपीट रीडिंग, रीडिंग को आप रिपीट कर लें या फिर आप टेस्ट को दोबारा परफॉर्म कर लें। वेस्टगार्ड रूल, डॉक्टर जेम्स वेस्टगार्ड ने 1981 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था लेबॉरेटरी QC कंट्रोल के ऊपर,
जिसकी बेस पर लैब की ड्यूली क्यूसी रन को एवेल्युएट और मॉनिटर किया जाता है। वेस्टगार्ड सिस्टम के प्रिंसिपल बेस करते हैं क्यूसी के स्टैटिकल प्रोसेसेस के ऊपर, जो के प्रोसेसेस 1950 से इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज़ किए जा रहे हैं। वेस्टगार्ड रूल की स्कीम के 6 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है या रूल है वो है 1-2-ST। आपको इसमें जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है कि कोई एक कंट्रोल रन प्लस 2-ST को क्रॉस करे या -2-ST को क्रॉस करे, ये वार्निंग साइन होता है। इस दिन के रिज़ल्ट तो रिपोर्ट किए जा सकते हैं, बट आपको एक वार्निंग साइन देता है कि यू नीड टू कैलिब्रेट और टेक करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, अच्छा, ये एरर की वजह से भी हो सकता है या फिर आपके पास ये सिस्टमिक एरर की वजह से भी आ सकता है। सेकंड रूल है 1-3-ST। 1-3-ST में आपके पास एक कंट्रोल 3-ST को क्रॉस कर गया, फिर वो चाहे +3-ST को क्रॉस करे या -3-ST को क्रॉस करे, ये आपके पास सिस्टमैटिक एरर की वजह से भी आ सकता है और पॉसिबल है कि रैंडम एरर की वजह से भी आ सकता है। तो ये रूल्स क्यूसी को वॉयलेट करता है, तो उसके रिपोर्ट नहीं कर सकते कोई भी रिज़ल्ट जब तक हम अपने करेक्टिव एक्शन से अपनी क्यूसी को करेक्ट नहीं कर लेते। नंबर 3 पर है 2-2-S। 2-2-S में क्या होता है कि आपके पास दो कंट्रोल 2-ST को क्रॉस कर जाएं। ठीक है, ये सिस्टमैटिक एरर की वजह से होता है, ये वॉयलेशन रूल है। इस दिन के रिज़ल्ट आप रिपोर्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी क्यूसी को करेक्ट नहीं कर लेते। ये के बाद है रूल 4-S। देखें, रूल 4-S में क्या होता है कि आपके दो कंट्रोल, एक कंट्रोल +2-ST को क्रॉस करे और दूसरा कंट्रोल -2-ST को क्रॉस करे, यानी कि आपकी दो कंट्रोल्स के दरमियान में 4-S का डिस्टेंस होना चाहिए, 4-S का डिफरेंस आना चाहिए। जैसे आपने एक कंट्रोल रन किया जो आया +2.8-S पे और सेकेंड कंट्रोल आपके पास आया -1.3-S पे, तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे, दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस पे आंसर क्या आएगा हमारे पास 4.1-S, यानी कि आपके कंट्रोल्स के दरमियान का जो डिफरेंस है वो है 4.1-S। तो ये भी वॉयलेशन रूल है और ये रैंडम एरर की वजह से होता है, तो आप जब तक करेक्टिव एक्शन नहीं ले लेते रिजल्ट रिपोर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है रूल 4-1-S। कंटिन्यूस 4 डेज तक आपका कंट्रोल 1-ST से बाहर रहे, 1-ST को क्रॉस कर जाए, तो ये रूल क्या कहलाता है 4-1-S, और ये भी आपके पास वॉयलेशन रूल होता है। जो लास्ट रूल है वो है, इस रूल में कंटिन्यूसली 7 डेज तक, 8 डेज तक, 9, 10 या 12 डेज तक कंट्रोल मीन के वन साइड पर रहे भी रूल्स की वॉयलेशन है, तो हम क्या करेंगे, इस दिन के रिजल्ट भी हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थे वेस्टगार्ड के 6 बेसिक रूल। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।